नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्री फॉरेक्स मार्केट के बारे में। दोस्त फॉरेक्स मार्केट की अगर बात की जाए मेरे दोस्त, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्री मेरे दोस्त यहाँ पर डे जो है 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर होता है मेरे दोस्त। 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का मेरे दोस्त, और 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर पैसा इतना बड़ा पैसा है मेरे दोस्त, जितना मुंबई में जितनी आबादी है मेरे दोस्त, अगर प्रत्येक शख्स को एक एक झोला कैश पकड़ा दिया जाए मेरे दोस्त, तब भी ये पैसे खत्म नहीं होते मेरे दोस्त। ये डेटा एक्जैक्टली अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त, तो 2023 में जो है 6.9 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर पर डे होता था, और ये जो है 2007 में डेटा उछाल मार करके बढ़ करके जो है 7 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है मेरे दोस्त। तो आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त, मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। अगर वहीं पर देखा जाए मेरे दोस्त ना, इंडियन शेयर मार्केट में पर डे जो टर्नओवर होता है मेरे दोस्त, 1.18 लाख करोड़ रुपए का पर डे टर्नओवर होता है। लेकिन अगर फॉरेक्स की बात की जाए मेरे दोस्त, फॉरेक्स में सबसे बड़ा टर्नओवर होता है मेरे दोस्त। कोई भी कंट्री का जो है फॉरेक्स को टक्कर नहीं दे सकता मेरे दोस्त, इतना बड़ा, क्योंकि हर एक कंट्री यहां पे इन्वॉल्व होता है, हर एक कंट्री यहां पे पार्टिसिपेट करती है मेरे दोस्त, इसकी वजह से यहां पे सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है। और देखा जाए सबसे ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन फॉरेक्स में किसका है मेरे दोस्त, तो यूके इंग्लैंड का है मेरे दोस्त। यहां पे जो है 43% से ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन यूके का है। अकेला यूके यानी कि इंग्लैंड जो है, यानी कि भाई ग्रेट ब्रिटेन यहां पे जो है पार्टिसिपेट करता है फॉरेक्स में। उसके बाद जो है यूएस आता है मेरे दोस्त, यूएस का लगभग जो है 16% यानी कि 16% के आसपास है मेरे दोस्त। उसके बाद जो है जो डिफरेंट कंट्री मेरे दोस्त, उसका परसेंटेज वाइज यहां पे लिखा हुआ, आप डेटा देख सकते हैं मेरे दोस्त। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंडस्ट्री है मेरे दोस्त, कितना बड़ा इंडस्ट्री है। इतने बड़े इंडस्ट्री से भाई छोटा सा पैसा निकालना आराम से निकाला जा सकता है मेरे दोस्त, आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा मेरे दोस्त। लेकिन बहुत सारे लोग भाई यहां से पैसे बना नहीं पाते मेरे दोस्त, पैसे गवा देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने काफी जबरदस्त कंसेप्ट लाया है मेरे दोस्त। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है कुछ और चीज जान लेते हैं फॉरेक्स के बारे में मेरे दोस्त। यहां पे जो भी होता है फॉरेक्स में मेरे दोस्त, फॉरेक्स एक्चुअली में क्या होता है मेरे दोस्त, फॉरेन एक्सचेंज होता है। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज, यहां पे हमेशा करेंसी में ट्रेड किया जाता है मेरे दोस्त। करेंसी में जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्त, जैसे मान लेते हैं कि आप जो है जाते हैं मलेशिया मेरे दोस्त। अब आप मलेशिया जाते हैं मेरे दोस्त, तो आपको जो है वहां पे रुपए से काम नहीं चलने वाला है, वहां का जो लोकल करेंसी है मेरे दोस्त, वैसा करेंसी आपके पास होना चाहिए। अगर आपको वहां पे भाई कुछ खाना है, पीना है, कुछ एंजॉय करना है मेरे दोस्त, तो उसके लिए आपके पास जो है आपका वहां का करेंसी जो है रिंगिट है मेरे दोस्त, मलेशियन रिंगिट है, वो आपके पास होना चाहिए। जब तक आपके पास मलेशियन रिंगिट नहीं रहेगा मेरे दोस्त, आप वहां पे रुपए दोगे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। इसलिए क्या होता है भाई कि करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। आप यहां पे देख रहे हैं मेरे दोस्त कि मैंने मलेशियन रिंगिट और INR के पेयर में मैंने यहां पे चार्ट ओपन कर रखा है मेरे दोस्त। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है INR मलेशियन रिंगिट, मतलब मलेशियन रिंगिट एंड INR के पेयर मैंने यहां पे चार्ट ओपन किया है। तो मान लेते हैं कि भाई आप मलेशिया जाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मलेशियन रिंगिट में आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज करने के लिए भाई आपको जो है वहां पे एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, डिफरेंट सेक्टर था जहां से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज हमेशा हर एक जगह पे जरूरत पड़ता है मेरे दोस्त, इसी को बोलते हैं भाई एक प्रकार की भी ट्रेड है मेरे दोस्त, इसी को तो फॉरेक्स बोलते हैं। मतलब यहां पे करेंसी का एक्सचेंज होता है, और इसमें जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है मेरे दोस्त, वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो जाता है। MNC कंपनी होती है, जैसे कोका कोला हो गया, BMW हो गया, TCS हो गया, मर्सिडीज हो गया, मतलब जितने भी MNC कंपनी मेरे दोस्त, वो भी यहां पे पार्टिसिपेट करती है अपने करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि इनका अलग अलग विदेशों में व्यापार चलता है, और जिस कंट्री में इनका जो है अपना लोकल ब्रांच होता है, वहां के करेंसी में एक्सचेंज करने के लिए इनको जो फॉरेक्स में आना पड़ता है। अगर बात की जाए मेरे दोस्त करेंसी पेयर की, क्योंकि फॉरेक्स इज ऑल अबाउट करेंसी मार्केट फॉरेक्स मार्केट, इसको दोनों बोला जाता है मेरे दोस्त। करेंसी पेयर जो है तीन टाइप का होता है, मेजर होता है, माइनर होता है, एक्जोटिक होता है। अब इसका डिटेल में जानना चाहते हैं मेरे दोस्त, मैंने इसके प्लेलिस्ट बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं मेरे दोस्त। फॉरेक्स के बारे में पूरा ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है। अब लोग समझते हैं मेरे दोस्त फॉरेक्स के बारे में, मैंने अभी तुरंत एक्सप्लेन किया, फिर भी मैं फॉरेक्स को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल से समझो मेरे दोस्त कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करना ही फॉरेक्स कहलाता है मेरे दोस्त। अब यहां पे एक फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होता है, जहां पे माइनर सेकंड के अंदर भाई फ्लक्चुएशन होते रहे, हर एक सेकंड जो है यहां पे करेंसी का फ्लक्चुएशन होते रहता है, और इसी में आप यहां पे पैसे बनाते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है मेरे दोस्त, आपको मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली ना दो टाइप का होता है मेरे दोस्त, एक होता है OTC मार्केट और एक होता है करेंसी CFD, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेरे दोस्त, जो है OTC होता ना भाई, जो है ना सैटरडे और संडे को भी मार्केट ओपन रहता है, लेकिन बाकी जो फॉरेक्स होता है, रियल जो फॉरेक्स होता है मेरे दोस्त, रियल जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है, भाई मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ही ओपन होता है, लेकिन OTC मार्केट भाई सैटरडे और संडे को भी ओपन होता है। तो यहां पे भी लोग पैसे बनाते हैं मेरे दोस्त, ये हो गया। और दूसरा होता है CFD, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। यहां पे क्या होता है मेरे दोस्त कि जो भी आप बाई करना चाहते हो, बाइंग प्राइस से भाई आपके पास पैसे कम है, फिर भी आप यहां पे मैक्सिमम आपको क्या करता है मेरे दोस्त कि यहां पे ब्रोकर आपको लीवरेज प्रोवाइड करता है, उस पैसे जो है मार्जिन प्रोवाइड करता है, उस पैसे जो है आप यहां पे बाई करते हैं, और बाई और फिर सेल करते हैं, उसके बीच में जो डिफरेंसेस होता है मेरे दोस्त, जो उसके बीच में
में पैसे आपके बनते हैं दोस्तों, वही होता है सीएफटी के अंदर आता है दोस्तों। इसको आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस ये समझिए मेरे दोस्त कि जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है दो टाइप का होता है, एक ओटीसी होता है, एक सीएफटी होता है, राइट। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, और जो है सीएफटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ये दो टाइप होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के मेरे दोस्त, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ये समझिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग दो टाइप का होता है, एक ओटीसी होता है, एक सीएफटी होता है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये जानेंगे कि भाई फॉरेक्स ही क्यों, क्या राज है, क्यों फॉरेक्स करे भाई, स्टॉक मार्केट पड़ा हुआ है फॉरेक्स में क्यों आए मेरे दोस्त। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मेरे दोस्त। फॉरेक्स जो होता है ना 2400 घंटा के लिए ओपन होता है। आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो मेरे दोस्त, जब भी आपको टाइम मिलता है आसानी से आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो। और आपको दूसरी पॉइंट में बता दो मेरे दोस्त, यहां पर ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम होता है, मतलब लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है मेरे दोस्त। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब बहुत ही कम यहां पर पैसे लगते हैं मेरे दोस्त आपको ट्रेडिंग करने के लिए। और दूसरी जो पॉइंट है मेरे दोस्त, यहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होता है, मतलब यहां पर कभी जो है सर्किट नहीं लगता, अपर सर्किट लोअर सर्किट यहां पे ऐसा कुछ भी, मतलब बाइक सेलिंग में आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा मेरे दोस्त। यहां पे लीवरेज काफी जबरदस्त होता है मेरे दोस्त, यहां पे अपने कैपिटल को बूस्ट कर सकते हैं, राइट। अब यहां पे रिस्क की बात किया जाए मेरे दोस्त, देखिए फॉरेक्स में रिस्क तो है मेरे दोस्त, क्योंकि यहां पे हर एक लोग पैसे बनाने के लिए आते हैं, हर एक लोग यहां पे जो भी आते हैं मेरे दोस्त, हर एक लोगों का मकसद होता है पैसा बनाना ही, लेकिन हर एक लोग पैसे नहीं बना पाते मेरे दोस्त। यहां पे देखा जाए मेरे दोस्त 70% के आसपास लोग जो है पैसे यहां पे गवा देते हैं, जितने भी रिटेलर आते हैं मेरे दोस्त 70% के आसपास पैसे यहां पे गवा देते हैं मेरे दोस्त, पैसे गवा देते हैं। और बाकी जो 30% बचे मेरे दोस्त, क्या लगता है कि 30% सब लोग पैसे कमा लेते हैं? नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, 30% में से जो है 20-25% न्यूट्रल होते हैं, मतलब वहां पे ना तो पॉजिटिव में होते हैं ज्यादा, ना तो नेगेटिव में होते हैं मेरे दोस्त। तो ये जो है इस तरीके से चलता है, सिर्फ और सिर्फ 5% के आसपास लोग यहां पे पैसे बनाते हैं, और रिटेलर की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, सिर्फ 5% के आसपास लोग पैसे बनाते हैं, इसीलिए यहां पे क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो है पैसे गवा रहे हैं। और इसके पीछे जो रीजन है मेरे दोस्त, वो बिना सीखे हुए डायरेक्टली ट्रेडिंग करने आ जाते हैं, होता क्या है मेरे दोस्त, वो लॉस कर जाते हैं। देखो याद रखना मेरे दोस्त, जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा, जब तक आपको हर एक चीजों का जानकारी नहीं रहेगा मेरे दोस्त, आप ट्रेडिंग में, देखो ट्रेडिंग में तो क्या होता है भाई, दो ही बटन होते हैं, एक बाई का होता है, एक सेल का होता है, बस बाई और सेल अगर आपने दबाना सीखा मेरे दोस्त आपको ट्रेडिंग आ जाती है। लेकिन ट्रेडिंग को करना कैसे है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है मेरे दोस्त। इसलिए मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जिसमें लेक्चर 1 में क्या पढ़ना है, लेक्चर 2 में क्या पढ़ना है, लेक्चर 3 में क्या पढ़ना है, कहने का मतलब आपको सिलसिलेवार से आपको हर एक चीजों की यहां पर जानकारी दिया जा रहा है मेरे दोस्त। इसलिए आपसे मेरा काइंडली रिकमेंडेशन है मेरे दोस्त कि आप जो है सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर लेक्चर 1 में क्या वीडियो है, लेक्चर 2 में क्या है, लेक्चर 3 में क्या है, लेक्चर 4 में क्या, आप हर एक चीजों को ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। उसके बाद जब आप यहां पर आएंगे मेरे दोस्त, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, फंडामेंटल से लेकर के आपको टेक्निकल चीजें तक आपको समझाया जाएगा, हर एक चीज आपको समझाया जाएगा मेरे दोस्त, हर एक चीज आपको जो है जानकारी यहां पे दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल चीजों का स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग टेक्निकल पार्ट पे आएंगे। टेक्निकल पार्ट में कैंडलस्टिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हर एक चीजें मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्त, जिसमें आपको ना ट्रेडिंग करने में किसी भी टाइप का समस्या नहीं आएगी, किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा मेरे दोस्त। इसलिए अपने दोस्त का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट लाता हूं मेरे दोस्त, जो आपके स्किल को हमेशा अपलिफ्ट करता है, आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता है, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है मेरे दोस्त, और ये बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है मेरे दोस्त, कंटेंट है मेरे दोस्त। आप यो बोल सकते हैं कि समुद्र मंथन करने के बाद जो अमृत निकल कर आता है मेरे दोस्त, वो मैं आपके सामने परोसता हूं, तो ऑब्वियसली आपको मजा आता होगा मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हां लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपके लाइफ में एक स्किल ऐड कर रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा मेरे दोस्त। एंड थैंक यू सो मच once again for watching the video।